क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने कस्टम डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, ये कस्टम साइज़ पड़ा हुआ, कस्टम डिज़ाइन, कस्टम साइज़। यहाँ पे साइज़ आपने देना है इसका, पहले यहाँ पे आपने इसको इंचेस में चेंज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने साइज़ देना है 6x9 का, 6x6x9 इंच, ठीक है। और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देना, 6x9 का साइज़ आपने लगाना है। अब आप ने इसके ऊपर क्या डिज़ाइन बनाना है ये अब आप सोचें। आपने A to Z लिखना है, 1 2 3 लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फाबेटिक्स, और एंटर करता हूँ। ये देखिए ये तमाम अल्फाबेटिक्स के टेम्पलेट्स आ रहे हैं। क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना है, कस्टम को सिलेक्ट करना है, 6x9 का साइज़ लगाना है इंचज़ के अंदर। उसके बाद जहाँ पे ये सर्च बार है यहाँ पे आप अल्फाबेटिक्स लिखें, ये अल्फाबेटिक्स से रिलेटेड आपको दे रहा है। ये देखें, ये इस तरह की बुक आपने डिज़ाइन करनी है, आप इस तरह की कर सकते हैं। ये ऊपर वाली ये आपने ऐसे डिज़ाइन करनी है, आप ये कर सकते हैं। ये आ रही है 1 to 26 है, आप इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये लेटर हैंड सर, ये जो है, प्रॉब्लम आपने शो किया, ये इसमें कोई एक्टिविटी हमें नजर नहीं आ रही। अरे मैं दोबारा स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना है, कस्टम साइज 6x9 इंचज़ और क्रिएट न्यू डिज़ाइन। ये आ गया आपके सामने कैनवा का इंटरफेस आ रहा है। जी सर, जी ये ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है आपको। जी अब ये सर्च वाली बार दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो जहाँ पे ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। जी यहाँ पे आपने लिखना है अल्फाबेटिक्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ जो जिस चीज़ की बुक आपने डिज़ाइन करनी है वो चीज़ आप लिख के सर्च कर सकते हैं। मैं अल्फाबेटिक्स लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। ये आपके सामने डिफरेंट अल्फाबेटिक्स आ गए। ये वाली अगर बुक देखते हैं जहाँ पे लिखा है लकीज अल्फाबेटिक, तो अगर तो ये 26 पेजेस की है तो फिर इसको ले लेते हैं। इस तक ये बुक है पूरी, ये वाली जो है ये आप इसको भी बना सकते हैं। ये भी पढ़ा हुआ है लेकिन ये 1 to 5 है, जो 26 पूरे अल्फाबेटिक्स के साथ है वो आपने कोशिश करनी है। ले ये वाली है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ले जी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद आ रहा है अप्लाई ऑल 26 पेजेस। मैं अप्लाई ऑल 26 पेजेस पे क्लिक करता हूँ, ये 26 के 26 पेजेस इस तरफ आ जाएंगे। ये 26 के 26 पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, आप इधर जाएं, एलिमेंट्स में जाएं, ये इसको उठाएं, इसका साइज थोड़ा छोटा कर दें, इसलिए समझ नहीं आ रही इसका कलर वाइट है, तो आप इसका कलर जो है ना ब्लैक कर दें। तो पे आप सी या सी फॉर कैट लगाना चाहें, यहाँ पे आप कैट लिख के कैट सर्च कर दें। इस तरह आप 26 पेजेस तक पिक्चर्स लगा सकते हैं, चाहे वो आप पिक्चर लगा दें, चाहे वो आप उसको पेंट की सूरत में लगाना चाहें कि उसमें भी पेंट हो जाए, वो डिपेंड करता है आप जैसी मर्जी बुक डिज़ाइन करें। ये सारी 26 पेजेस आप करने के बाद आपने क्लिक करना है शेयर के ऊपर। शेयर में क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है PDF को। PDF प्रिंट को आपने सेलेक्ट करना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना। तो ये आपकी PDF फाइल 26 पेजेस की डाउनलोड हो जाएगी आपके डेस्कटॉप के ऊपर, मेरे डेस्कटॉप पे सेव होगी ये पूरी की पूरी 26 पेजेस की बुक। अपनी एक एक बुक डिज़ाइन करें, उसको पब्लिश कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पब्लिशिंग फ्री होती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कल मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये सब लोग एक एक बुक अपनी कंप्लीट करके बना के लेके आए। बहुत इजी है, सबको समझ आ गया। सबसे आसान काम है
और सबसे स्टैंडर्ड जो है ना 6x9 का साइज़ है, ये आपने याद लाजिम रखना है, और इंचज़ में है, 6x9 है इंचज़ के अंदर, पिक्सल के अंदर नहीं है। अब कैनवा के ऊपर आप अगर बुक जनरेट करते हैं, ये बुक आपकी जनरेट हो जाती है, आपको समझ में आ जाए तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जाके जस्ट इसको पब्लिश करना है, कैसे पब्लिश करना है ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और अगर आपकी 3 डेज़ के अंदर बुक पब्लिश हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आपने इसकी प्राइस आपने सेट कर लेनी है। आप ये देखेंगे कि आपने 100% पैसे कमाने हैं, तो आप उस हिसाब से इसकी प्राइस को जो है एडजस्ट करें, कि अगर 30% वो ले भी जाता कि आपके पास आपके 100% आ जाए, आप उस तरह उस हिसाब से प्राइस अपनी लगा दें, तो आपकी अगर बुक सेल आउट होना शुरू हो जाती है, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपकी लक अच्छी है हो सकता है आपकी महीने में सेल होना शुरू हो जाए, नेक्स्ट डे सेल होना शुरू हो जाए। ये डिपेंड करता है आपने चीज़ कैसी क्रिएट की है, क्या बनाया है, क्या चीज़ आप बेच रहे हैं, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी बुक बिकना शुरू हो जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बुरी बात है। आ गया यहाँ पे, आप सर्च में जाके लिखें सर, फॉर एग्जांपल कोई ऑथर है और उसने कोई अपनी बुक लिखी है, तो वो भी जाकर पब्लिश कर सकता है अमेज़न पे? कर सकता है जी। देखिए ये KDP के ऊपर आप नॉवेल्स, जर्नल्स, प्लानर्स, रेसिपी बुक्स, चिल्ड्रन बुक्स, कलरिंग बुक्स, कॉमिक्स की अब बड़ा मांग है, कॉमिक्स की बहुत मांग है। अगर आप कॉमिक्स की बुक बना के बेचते हैं, इसमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, ठीक है। कॉमिक्स की बुक अगर किसी को पता है तो बता दे, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कॉमिक्स किसको कहते हैं। अखबार कभी पढ़ा? जी। जंग अखबार में अंकल सरगम का आर्टिकल आता होता था, जिसमें कार्टून डिज़ाइन हुआ होता था, वो कार्टून सब बना होता था, ऊपर जो है ना उसकी उर्दू लिखी होती थी कि वो सोच रहा है ये लिखा हुआ है। ये देखिए ये कॉमिक्स है, आप इस तरह की कॉमिक बुक भी बना सकती हैं और उसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, बहुत सेल आउट होती हैं कॉमिक्स की बुक्स। जर्नल्स, प्लानर्स, रेसिपी बुक, फ़ोन बुक आप जब बना सकते हैं, इसके अंदर फ़ोन बुक बना सकते हैं, डायरी आप बना सकते हैं, जैसे वो कैलेंडर वाली डायरी होती है उसको प्लानर्स कहते हैं, ठीक है ना, ये प्लानर्स उसे ही बोला जाता है। जर्नल्स, व्हाट कैन यू पब्लिश ऑन अमेज़न KDP, वही आर्ट जो भी हमने पढ़ी है। सर ये आपने बैकग्राउंड जो पीछे लगाया है ये कैसे लगाया है? इस फेस का कौन से वाला? सर आपकी जो पिक्चर आ रही है उसमें स्पेस का आ रहा है, जो आ रहा है ना बैकग्राउंड। आप जब आप गूगल मीट आप सब लगा सकते हैं, आप अपने अपने पे लगा सकते हैं, कैसे लगता है? जहाँ पे ये 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, मोर ऑप्शन, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मोर ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा है अप्लाई विजुअल इफेक्ट, अप्लाई विजुअल इफेक्ट पे क्लिक करें और ये राइट हैंड साइड पे सारे इफेक्ट्स ओपन कर देगा, ये पड़ेगा।